उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल समोसा और रोल। उनके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो आलू लिए जिन्हें मैंने बॉयल करके इस तरह से मैश कर लिया। छोटा बंद गोभी का फूल लिया मैंने, और यहाँ आधा किलो मैंने शिमला मिर्च लिए, आधा किलो मैंने गाजर लिए, और एक कप मैंने चने लिए, इन्हें भी मैंने बॉयल कर लिया था, और एक कप मैंने यहाँ मटर लिए, और मैंने ये पुदीना लिया। अगर आप धनिया डालना तो आवश्यक धनिया डाल लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। एक छोटा प्याज मैंने लिए, उसे बारीक काट लें, और चार सब्ज मिर्च लिए, और चार मैंने यहाँ पे दो मैंने लहसुन और दो मैंने अदरक का पेस्ट बनाया, और यहाँ मैंने दो चिकन क्यूब्स लिए। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया, नमक हसबे ज़रूरत है, और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिए, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ लाल मिर्च लिए, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा लिए, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑयल के लिए, और 1 गिलास आपने पानी का लेना है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ ऑयल डालूँगी, और अब मैं प्याज डाल दूंगी, ये देखें जब इस तरह से प्याज हो जाए तो आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब मैं ये डाल दूंगी सारे इनमें मसाले, मसाले डाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। और इसके साथ ही मैं सारे ऐड कर दूंगी, बंद गोभी, मटर और चने, शिमला मिर्च, और ये सब्ज मिर्च, और ये आलू। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 गिलास पानी का डाल देना है, और जो ये पुदीना है ये आपने लास्ट में डालना है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और चेक भी लेना है थोड़ा सा कि कहीं नमक मिर्च अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी हो तो आप इसमें शामिल करना। अगर रोज़ा नहीं है तो, वरना किसी बच्चे से भी चेक करवा सकते हैं। और अब मैं इसमें क्यूब्स भी डाल दूंगी इस तरह से करके। ये देखें अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, अब आपने इसे लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना इस तरह से करके। ये देखें यहाँ हमारा ये मसाला तैयार हो गया, और अब मैं यहाँ डाल दूंगी पुदीना, यहाँ भी आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लें, अगर तेज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे भी आपकी मर्जी है आप डाल लें। अब जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम समोसे और रोल में इसे फिल करेंगे। ये देखें यहाँ हमारा मसाला ठंडा हो गया, और अब मैं सबसे पहले इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ मैंने 3 चम्मच मैदे के लिए
ये देखें आपने इस तरह का पेस्ट बनाना है। पानी आप देख लेना कि किस तरह से ये तैयार होगा, बस बिल्कुल लई नहीं बनानी, इस तरह से बनाना है इसे। चलें अब हम समोसा बनाते हैं। आप ऐसे समोसा पट्टी बाज़ार से ले लें अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। रोज़ों के बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। आपने ऐसे पहले इसे इस तरह से करना है, फिर आपने इसे एक मिनट ऐसे करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब इस तरह से आप इसमें इसका निकालें मैदा सारा, और इसे इस तरह से आपने बंद कर देना। ये देखें इस तरह से, ठीक है, ये हमारा समोसा तैयार है। अब हम रोल बनाएंगे। हम बना रहे हैं रोल, ये इस तरह से ये रोल बन जाएगा। अब ये इस तरह मैं सारी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं समोसे और रोल फ्राई करने लगी हूँ। इन्हें हमेशा धीमी आंच पे आपने फ्राई करने है, टेस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे। अभी मैं यहाँ करूंगी समोसे। ये देखिए हमारे मजेदार से रोल और समोसे तैयार हैं। आप भी इफ्तारी में बनाएं और मुझे बताएं आपको कैसे लगे। चिकन से ज़्यादा वेजिटेबल जो रोल और समोसे होते हैं वो सबको पसंद भी आते हैं और सब शौक से खा भी लेते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।